अब हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, के पी टी सी एन डी एल एंड जे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली एन इज बिटवीन सी एंड डी वेयर एज ओनली एल इज बिटवीन डी एंड जे, टी एंड के आर पीज नेबर, नाइदर टी नॉर सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ ऑफ द रो, जे इज टू द राइट ऑफ टी बट नॉट नेसेसरली ऑन द इमीडिएट राइट। तो देखो हमने कहा था जब भी हम क्वेश्चन अपना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा अरेंजमेंट कैसा है, हमारा अरेंजमेंट कैसा है। अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो हमारे पास लिखा है रो और लिखा है फेसिंग नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो लीनियर है, ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर्सन दिए हुए हैं, कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो 8 पर्सन हैं वो हमारे एक लाइन में खड़े होंगे, 8 पर्सन हमारे एक लाइन में खड़े होंगे। ठीक, तो देखो हमने एक लाइन में खड़ा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और देखो सबका फेस किधर है, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो हमने सबको सबका फेस नॉर्थ की तरफ कर दिया। अब देखो अब हमें करना क्या है, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे स्क्वायर और सर्कल के, हमें मालूम है स्क्वायर और सर्कल हमारा कौन सा फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अगर हमने सर्कल को यहां से शुरुआत किया तो यहीं पे आकर खत्म होगा, अगर स्क्वायर को हमने यहां शुरू किया तो आकर यहीं पे खत्म भी होगा। ठीक, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम उसकी शुरुआत, इसलिए हम सर्कल और स्क्वायर वाले क्वेश्चन की शुरुआत कहीं से भी लेट करके शुरू कर देते हैं, कहीं से भी मान लेते हैं और वहीं से शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी शुरुआत लेफ्ट से है या राइट से है। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम शुरुआत हमें किधर से करना है, लेफ्ट से करना है या राइट से करना है, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब इसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमको शुरुआत किस तरफ से करना है, लेफ्ट एंड से करना है या राइट एंड से करना है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जितने भी जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जो भी स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन में लिखा होगा उसको हम एक कोड के फॉर्म में नोट कर लेंगे, एक कोड के फॉर्म में नोट कर लेंगे, और हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारा कहीं भी अगर एंड वर्ड आया होगा, एंड वर्ड, तो ये हमारा एक कोट का काम करेगा, यहां पे एंड है। ठीक, एंड जो है हमारा वो एक हिंट की तरह काम करेगा, अगर कहीं पर भी एंड वर्ड लिखा आ जाए तो समझ लेना कि हमको हिंट मिल गया, हमको वहीं से शुरुआत करना है, हमको वहीं से शुरुआत करना है। इसलिए जब भी हमारे ये लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें ये देखना है कि एंड वर्ड कहाँ पे आया, जहां भी एंड वर्ड आ जाएगा हमको वहीं से हिंट मिल जाएगा कि हमको क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है। बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा, जितना भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको हम एक कोड के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास लिखा है ओनली एन इज बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी और डी के बीच में केवल एन है। देखो सी और डी के बीच में केवल कौन है, एन है। उसके बाद लिखा है वेयर एज ओनली एल इज बिटवीन डी एंड जे, जबकि एल जो है वो डी और जे के बीच में है, केवल एल, मतलब डी और जी जे के बीच में, डी और जे के बीच में केवल एल है। इसका मतलब डी अगर हमारा यहाँ पे है और जे हमारा यहाँ पे है तो बीच में कौन है, एल है। अब देखो अब ये पांच एलिमेंट, ये पांच आदमी जो हैं वो हमेशा साथ में रहेंगे, ये पांच आदमी हमेशा साथ में रहेंगे। अब यहां पर जहां पर भी अरेंज होंगे, जहां पर भी अरेंज होंगे इस लीनियर अरेंजमेंट में, इस लाइन में, ये पांच हमेशा साथ में रहेंगे, ये पांच कहां पर रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे लिखा है हमारा क्वेश्चन टी एंड के आर पीज नेबर्स, मतलब क्या है, टी और के जो है वो पी के नेबर हैं, पड़ोसी हैं। इसका मतलब टी और के जो हैं वो पी के पड़ोसी हैं। अब देखो टी भी हमारा पी पड़ोसी है और के भी हमारा पी पड़ोसी है, लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, के पी टी। अभी आगे हमें मालूम चलेगा कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा यूज होगा।
अगर हम आगे पढ़ें तो क्या लिखा है, नाइदर टी नॉर सी, मतलब ना तो टी और ना ही सी, इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, मतलब जो भी हमारे पास ये रो है इसके एक्सट्रीम एंड, मतलब यहां पर और यहां पर, ना तो टी होगा ना तो सी होगा, इसका मतलब ना तो यहां पे टी होगा और ना ही यहां पे सी होगा। ठीक, अब यहां से हमको एक हिंट मिल गया कि शुरुआत चाहे जैसे भी हो लेकिन यहां पर शुरुआत ना तो टी से होगी ना तो सी से होगी, और ना ही यहां पर एंड जो है वो टी से होगा ना तो सी से होगा। अब क्या लिखा है, जे इज टू द राइट ऑफ टी, इसका मतलब क्या है, जे हमारा जो है वो टी के राइट में है, इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया कि ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो इस इन पांचों के लेफ्ट में आएंगे, तभी तभी जे हमारा टी के राइट हो पाएगा, जे हमारा टी के राइट होगा। इसका मतलब क्या है, ये तीन जो आदमी हैं वो हमेशा इनके लेफ्ट में ही होंगे, वो इनके लेफ्ट पोजिशन में ही होंगे। ठीक, वो इनके लेफ्ट पोजीशन में ही आएंगे, तभी ये जे का मतलब टी के राइट बनेगा जे हमारा। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, बट नॉट नेसेसरली ऑन द इमीडिएट राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि इमीडिएट राइट हो, इमीडिएट राइट हो। ठीक, अब देखो हमें क्या मालूम चल गया कि हमारा जो भी हमारा यहां पर शुरुआत हमारा ना तो टी से होगा ना तो सी से होगा, इसका मतलब ना तो हम इसको यहां से शुरू कर सकते हैं ना तो हम इसको यहां से शुरू कर सकते हैं। अब देखो हम कर क्या सकते हैं, हम मान लो अपने पहले एलिमेंट को उठाए, हमें मालूम है कि हम इसको शुरुआत यहां से नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, हम इसको यहां से शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हमने मान लो इसको यहां से शुरुआत किया, मान लो हमने इसको यहां से शुरुआत किया, तो देखो दिक्कत क्या है, यहां पे एक आदमी की जगह बची और यहां पे दो आदमी की जगह बची, लेकिन अभी हमारे पास तीन आदमी हैं और ये तीनों साथ में बैठेंगे, ये तीनों कहाँ बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, इसका मतलब हमें तीन प्लेस खाली चाहिए, हमें तीन प्लेस खाली चाहिए, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो हमारा सही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ से बैठाते हैं, यहाँ से, चलो हमने इनको यहाँ से बैठा दिया, सी एन डी एल जे। अब भी अगर ध्यान दो तो इधर तो दो बचे हैं लेकिन इधर कौन सा कितना बचा है, एक, इसका मतलब अभी भी हम इनको साथ में नहीं बैठा सकते, अभी भी इनको हम साथ में नहीं बैठा सकते, क्यों, अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे एक ही जगह है, इधर दो जगह पे है, इधर यहाँ पे दो जगह है और यहाँ पर एक जगह है, इसका मतलब ना तो इनको हम यहाँ बैठा सकते हैं ना तो इनको हम यहाँ बैठा सकते हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी हमारा गलत है, ये पोजिशन भी हमारा क्या है, गलत है। अब हम इनको यहाँ बैठाएंगे, अब हम इनको यहाँ बैठाएंगे, इसका मतलब सी एन डी एल जे। अब देखो हमें मालूम है यहाँ पे ना तो टी हो सकता है ना तो सी हो सकता है, यहाँ पे है कौन, जे, इसका मतलब जे तो हमारा यहाँ पे हो ही सकता है। ठीक, जे हमारा यहाँ पे हो ही सकता है। अब देखो लेफ्ट में कितना पोजीशन बचा हमारा, तीन, लेफ्ट में तीन पोजीशन हमारा बचा है, इसका मतलब इन तीनों को हम यहाँ बैठा सकते हैं, इन तीनों को हम यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हमारा शुरुआत ना तो टी से होगा ना तो सी से होगा, इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन को तो हम इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं लेना है, हमको ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सा, ये वाला, तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा के पी और टी। अब देखो जो लास्ट वाली कंडीशन थी, जे इज टू द राइट ऑफ टी बट नॉट नेसेसरली ऑन द इमीडिएट राइट, अब देखो जे हमारा टी के राइट में है, जे हमारा क्या है, टी के राइट में है और इमीडिएट भी नहीं है, मतलब जस्ट राइट में नहीं है, ठीक, ये इमीडिएट भी नहीं है, इसका मतलब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई और हमारा क्या है, ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया, हमने आपने आठों लोगों को जो भी हमारे 8 पर्सन थे उनको हमने अरेंज कर लिया एक लीनियर अरेंजमेंट में। तो बस ये था हमारा मेन, ठीक, ये हमारा मेन था हमारा अरेंजमेंट करना, बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं बस अब यहीं से उठ जाएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या उठेगा, हमारा बोल देगा कि टी के बगल में, टी के पड़ोस में इमीडिएट राइट ऑफ टी क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इमीडिएट राइट ऑफ टी, या पूछ लेगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक, या पूछ लेगा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डी, ठीक,
इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ टी क्या है, सी है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी क्या है, पी है। पी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक दो तीन, तीन लोग बैठे हैं, ठीक। इसी तरीके से अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमारा लीनियर अरेंजमेंट का था, ठीक। अब हम इसी लीनियर अरेंजमेंट पे ही एक और क्वेश्चन अब हम देखेंगे, जिससे कि हमारा इसमें जो भी डाउट है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। देखते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।